तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी कुछ ज़्यादा ही संस्कारी है और इस मूवी को आप कहीं भी ढूंढ लोगे, ये मूवी आपको हिंदी में नहीं मिलने वाली। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए। तो आप डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है एक गरीब की झोपड़ी से, जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। तभी उसका बेटा उसको उठाता और कहता है, मम्मी आपको काम पे नहीं जाना, आप लेट हो गई हो। तो ये लड़की जिसका नाम होता है जैन, जैन काफी रफ्तार में एकदम से उठती है और घुस जाती है बाथरूम के अंदर और करने लगती है स्नान कि तभी यहाँ पर पीकर टुल होकर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है स्पेंसर, जो कि जैन का हस्बैंड है। तो स्पेंसर जो कि अपनी बीवी से काफी ज्यादा करता प्यार है, पर स्पेंसर दरअसल नल्ला बेरोजगार है। वो सिर्फ अपनी बीवी की कमाई को उड़ाता और दिन में जाता और शाम को पीकर वापस आता। यहाँ तक कि वो अपनी बीवी जैन के बटुए से थोड़े पैसे भी चुरा लेता है और उसको जैसे ही मालूम चलता है कि जैन बाथरूम के अंदर है, वो तुरंत बाथरूम के अंदर घुस जाता। दरअसल स्पेंसर का साइलेंसर फॉर्म में आ गया था और फिर वो बाथरूम में ही अपनी बीवी जैन के साथ संस्कारी होता है। तो देखो जैन चाहती है कि वो गरीब है, उसका हस्बैंड भी निठल्ला है, पर वो चाहती है कि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए। इसलिए वो उसको पढ़ाती है, लिखाती है, अच्छी से अच्छी चीज सिखाती है। पर समस्या ये है कि जब घर में तीन लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है तो काफी मुश्किल होती है। अब देखो जो हमारी जैन है वो कहाँ पर रहती है, फिलीपींस में। और फिलीपींस का माहौल काफी संस्कारी है, समझ रहे हो आप लोग। मतलब वहाँ पर ऐसा है कि काफी महिलाएं गलत रास्ता चुन लेती हैं पैसे कमाने के लिए, सब नहीं पर काफी। जैसे कि यहाँ पे औरत, इस औरत ने एक अदर कंट्री का बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो इसको पैसे भेजता रहता और ये महिला उसको अपनी निर्वस्त अवस्था में कुछ फोटो और वीडियोस भेजती रहती। और जो ऐसे आदमी होते हैं ना जो अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत ही ज्यादा खर्च करते हैं और उनकी उम्र काफी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को इनकी लैंग्वेज में कहा जाता है शुगर डैडी, अर्थात मीठे पापा। पर जैन तो भाई दूध की दूली थी, तो वो इन सब कामों से दूर रहती है और इस महिला को इग्नोर करके अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर एक और महिला दिखाई जाती है जो कि काफी महंगे होटल में रहती है कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसको ये महिला कहती है डैडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे इसके पापा होंगे, पर नहीं, ये बंदा भी उन्हीं में से होता है जिनको बोलते हैं मीठे पापा। तो देखो इन दोनों की सच्चाई कुछ इस प्रकार है कि यह आदमी मजबूरन और खूबसूरत महिलाओं को देखता है, उनसे इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए बात करता है, पर वो किसी को फोर्स नहीं करता, जिसको पैसे की जरूरत है वह ऐसे काम कर लेता है। तो ये आदमी दरअसल बड़े बड़े रईसों को एक तरह से महिलाएं प्रोवाइड करता है और जो महिलाएं यहाँ से जाती हैं वो महिलाएं उस आदमी के साथ एंजॉय करती हैं, संस्कारी होती हैं और मुंह मांगा पैसा लेती हैं। और अब क्या, ये दोनों यहाँ पर संस्कारी होते हैं और इस महिला का नाम होता है रीका। तो रीका दरअसल जैन की 10th क्लास से बेस्ट फ्रेंड है और वो यहाँ पर संस्कारी होने के बाद डायरेक्ट जाती है जैन से मिलने। जैन काम करती है एक ज्वेलरी शॉप में, जहाँ का मालिक जैन को हमेशा आके फाड़ फाड़ कर देखता है, जो कि उसके सामने सीधा बनता है पर उसके पीठ पीछे उसके साथ संस्कारी होने के ख्वाब देखता है। तो अब जब यहाँ पर रीका आती है तब जैन यहाँ पर रीका को देखकर काफी खुश होती है और रीका भी जैन को देखकर काफी खुश होती है। तो रीका यहीं से खरीदारी करती है। तो देखो एक तरफ जैन बेचारी जिसके घर में पैसे की काफी तंगी है, पर रीका के पास पैसा काफी है क्योंकि वो दूसरों के सामने होती, समझ रहे हो। रीका कहती है जब भी तुम फ्री हो ना तो मुझे बताना, हम लोग घूमने चलेंगे। तब जैन कहती है हाँ ठीक है, मैं तुमको मैसेज कर दूंगी। और इतना ही कहकर रीका यहाँ से चली जाती है। और जब यहाँ पर इस दुकान के बंद होने का समय नजदीक आता है तब इस दुकान का मालिक जैन को रोक लेता है और कहता है कि मुझको थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। पर वो इम्पोर्टेंट काम दुकान का काम नहीं, इस आदमी का ही काम था। ये आदमी दरअसल जैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जब जैन को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है तब जैन यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर तभी ये आदमी अपनी हद पार कर देता है और जैन पर अत्याचार कर देता है। पर बेचारी जैन जैसे तैसे इसको थोड़ा बहुत मार के यहाँ से भाग जाती है और अब जैन बेचारी काफी परेशान है। अब ऐसी परिस्थिति में जाहिर तौर पर एक महिला अपने पति को बताएगी, पर जैन का पति तो निठल्ला है, उसको जुए से फुर्सत नहीं है, कमाता खाता कुछ भी नहीं, साफ शब्दों में नल्ला है और अभी वो जुए खेलने में व्यस्त है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बीवी यहाँ पर क्या कहना चाह रही। कि तभी यहाँ पर रास्ते से रीका गुजर रही होती है और रीका जैन को यहाँ पर देख लेती है और जैन रीका को सभी बातें बताती है कि उसके साथ आज क्या हुआ। तो रीका कहती है कि यार ये जमाना ही खराब है, ठीक है, तुम एक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, कोई भी तुम पर लट्टू हो जाएगा और मुझको ये बात समझ में नहीं आती कि तुमने वो नल्ले बेरोजगार स्पेंसर से शादी क्यों कर ली। तो जैन कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ। तो रीका कहती है तुमने आज देख लिया तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ, पर तुम्हारा पति आया तुमको देखने के लिए। और कहीं ना कहीं जैन को ये बातें सही लगती है कि रीका सही कह रही, पर यहाँ पर रीका का इरादा कुछ और था।
वो चाहती थी कि जैन तरक्की करे, पर उस तरक्की को हासिल करने का तरीका कुछ और था। और आज जैन रीका को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर एक काफी महंगे क्लब में ले जाती है, और लड़की होने के बावजूद भी जैन पर लाइन मारती है। और जैन ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो यहाँ पर इन दोनों का भी कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और दोनों ताल से ताल मिलाते हैं। पर जब इनका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और जब जैन थोड़ा बहुत होश में आती है, तब उसको समझ में आता है कि उसने आखिर आज कितनी बड़ी गलती कर दी। अब रीका ने जैन को बता रखा था कि वो क्या काम करती है, और रीका चाहती थी कि वो भी इस काम को करे क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है और इस फील्ड में काफी पैसा बनता। पर जैन ठहरी हमारी दूध की तुली परिवार वाली, तो इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहती थी। पर वो जैसे ही घर पे जाती है, वो वहां पर क्या पाती है कि उसका बेटा काफी ज्यादा बीमार है, और वो अपने बेटे को लेकर स्पेंसर के साथ हॉस्पिटल जाती है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जैन के बेटे का नाम होता है एलेक्स। और अब यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा जैन को मालूम चलता है कि उसके बेटे एलेक्स को ल्यूकेमिया है, और जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च होगा। और अब ये दोनों ही परेशान है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे, एलेक्स का ऑपरेशन कैसे करवाएंगे, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर स्पेंसर भी कुछ नहीं करता, और बेचारी जैन अकेली है, उसके पास किसी और का सपोर्ट भी नहीं है, स्पेंसर कुछ काम धंधा करता नहीं है। तो स्पेंसर यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो कहता है जैन से, जहाँ पर तुम काम करती थी ना, हम लोग वहीं पर चलते हैं और वहाँ पर रॉबरी करेंगे, क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप है तो वहाँ पर काफी पैसा होगा। एक बार की चोरी में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, हमारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा, मेरी गाड़ी खत्म हो जाएगी, सब कुछ मस्त हो जाएगा। और पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी में जैन स्पेंसर की इस बात को मान लेती है। और अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं उसी दुकान में चोरी करने, जिस दुकान के मालिक ने जैन के साथ गलत काम करने की कोशिश करी थी। और ये आदमी जैन की आवाज से समझ जाता है कि ये जैन ही है। और जहाँ स्पेंसर को मालूम चलता है कि जैन पकड़ी गई है, स्पेंसर यहाँ से 9 to 11 हो जाता। वाह भाई साहब, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ ऐसे ही बेवकूफ लड़कों को क्यों चुनती है। खैर अब जैन ने तो चुन लिया है, तो बेचारी पछता रही है। खैर अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर जैन की यहाँ पर किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर रीका आ जाती है, और रीका बड़े बड़े लोगों के साथ रहती है तो उसको मालूम है कि पुलिस से कैसे निपटते हैं। वो यहाँ पर उल्टा इसी आदमी को बिला देती है और इसकी बीवी से कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरी दोस्त के साथ गलत काम करने की कोशिश करी, और इस बात का प्रूफ इसी दुकान के कैमरे में होता है। मतलब यहाँ पर ये आदमी फंस जाता और जैन हमारी बच जाती है। अब जैन यहाँ पर रीका को अपनी समस्या बताती है कि मेरे बेटे को एक नई बीमारी हो गई है, उसके लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए। तब रीका कहती है, देखा अब तुम्हारे पास ये समस्या आ गई, अब तुम इसका समाधान कैसे करोगी, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं जो काम करती हूँ तुम भी वो काम करने लगो, तुमको सच में काफी पैसा मिलेगा, तुम उससे मेरी तरह जिंदगी जी सकती हो। और अब बेचारी जैन ना चाहते हुए भी इस काम में घुस जाती है, और अधेड़ उम्र के बुट्टो के साथ डील करके उनके अंदर की आग बुझाती है। अब उसको बुरा लगता है, पर उसने इस काम के पैसे भी लिए हैं तो करना तो पड़ेगा। खैर अब उसको पैसे की समस्या नहीं होती है, वो अपने पति से कहती है कि तुमको मैं पैसे पहुंचा दूंगी, बस तुम्हारा काम है एलेक्स का ध्यान देना। पर ये एक नंबर का नल्ला बेरोजगार आदमी स्पेंसर इस काम को भी सही से नहीं कर पाता, वो अपना घर में पी के डला होता है। और आज जैन निर्णय बनाती है कि वो हमेशा के लिए स्पेंसर को छोड़ देगी, क्योंकि वो एक जिम्मेदार आदमी कभी नहीं बन सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो एक कुत्ते की तुम है जो कभी सीधी नहीं होने वाली। और जब स्पेंसर को मालूम चलता है कि जैन उसको छोड़ के जाने वाली, कि तब स्पेंसर की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती कि साला मेरा अब खर्चा कैसे चलेगा। और वो यहाँ पर जैन के साथ हाथापाई करने लगता है कि तभी यहाँ पर आ जाती है रीका, और स्पेंसर को एक भारी चीज से पीछे से मार के बेहोश करके जैन को अपने साथ ले जाती है। और जब जैन सोकर अगले दिन यहाँ पर उठती है, तब रीका उसको बताती है कि तुम्हारे पति स्पेंसर की मौत हो गई है। और जैन यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी चोट में वो मर कैसे गया। खैर वो अपने बेटे को अब संभालती है, और जब उसके बेटे की कंडीशन थोड़ी बहुत सही हो जाती है, तब वो दोबारा अपने काम पर चली जाती है। और आज जैन को यहाँ पर एक ऐसा आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर पहली बार आया था। ये आदमी अपना नाम बताता है एरिक। एरिक कहता है कि वो एक ट्रेडर है और उसके पास काफी पैसा है, और वो चाहता है कि कोई खूबसूरत सी लड़की उसके साथ वक्त बिताए। तो जैन कहती है कि तुम पहले से इतने स्मार्ट हो तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो एरिक कहता है कि मुझको तुम्हारे जैसी लड़कियां ही पसंद है। और अब इन दोनों के बीच बातचीत कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि जैन इससे पैसे नहीं लेती, चाहे वो बात करे या कुछ और करे, वो एक छोटी छोटी चीज के यहाँ पर अपने क्लाइंट से पैसे लेती थी। और अब कुछ दिनों बाद ही लोग संस्कारी हो जाते हैं, और जो भी पैसा था वो जैन अपना ले लेती है। और अब जैन जो कि पहले एक टूटे फूटे घर में रहती थी, अब वो एक काफी अच्छे होटल में रहती है। ये उसी होटल में रहती है जहाँ पर रीका रहती थी।
और आज जैन जब यहाँ पर इस होटल के क्लब में जाती है तब उसको एक महिला मिलती है जिसका नाम होता है मारा। और इन दोनों की ऐसे ही बातचीत में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती। मारा कहती है कि मुझको एक बीमारी है और मैं कुछ ही दिनों बाद ऊपर पहुंच जाऊंगी और मेरे पास काफी कम समय है और मैं चाहती हूँ मैं इस समय में अपने पति को अच्छी तरीके से खुश कर दूँ और मेरे पास जितने भी दिन बचे हैं उनको अच्छे तरीके से जीऊं। और तभी यहाँ पर आता है मारा का हस्बैंड जो होता है एरिक। जबकि एरिक ने जैन को बताया था कि वो सिंगल है और मारा यहाँ पर जैन को ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड एक FBI एजेंट है और एरिक ने जैन को क्या बताया था कि वो एक ट्रेडर है। और मारा ना जैन को अपने साथ अपने रूम पर ले जाती है। यहाँ पर एरिक भी होता है। अब यहाँ पर एक ऐसा सीन होने वाला है ना कि जिससे मुझको यकीन हो गया कि ऐसी चीजें थाईलैंड फिलीपीन इंडोनेशिया यहीं पर हो सकती है। हमारा यहाँ पर अपने पति के सामने जैन के साथ संस्कारी होने की कोशिश करती है। अब जैन का तो काम ही यही था तो जैन भी हो जाती है कि तभी यहाँ पर इन दोनों को एरिक भी ज्वाइन कर लेता। ये लोग तीन की तिगड़ी बनाकर पूरी रात संस्कारी होते हैं। वाह, मतलब क्या ही हो रहा है जमाने में। एक पत्नी जो कि अपने पति को ही कह रही है कि तुम मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी संस्कारी हो। अब यहाँ पर पति लकी है या फिर उसकी पत्नी में दिमाग कम है। खैर, अब इन तीनों का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब जैन यहाँ से जाने लगती है तब एरिक उसको रोकता है। तब जैन यहाँ पर एरिक पर काफी गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने मेरे से झूठ बोला कि तुम एक ट्रेडर हो। तो एरिक कहता है सुनो जैन, मैं एक FBI एजेंट हूँ और मुझको एक मिशन मिला है जो कि तुम्हारा बॉस है, मुझे उसको पकड़ना है क्योंकि वो लड़कियों की तस्करी करता है जो कि एक गलत काम है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए उससे कांटेक्ट मत बनाओ, कहीं दूर चली जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा एक बेटा है और तुम एक अच्छी महिला हो। तुमने ये सब काम मजबूरी में किया और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताओ, तो थोड़ी समझदारी दिखाओ और कुछ दिनों के लिए अपने बॉस को भूल जाओ। पर जैन यहाँ पर इनोसेंट बन के सारी बात रीका को बता देती है और रीका कहती है क्या लड़कियों की तस्करी, ये तो काफी गलत बात है। और तभी एक दो दिन बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने एरिक को किडनैप कर लिया। और अगले ही दिन जैन के पास फोन आता है मारा का जो कि कहती है कि उसका पति एक दिन से लापता है। और अब जैन को पूरा डाउट जाता है रीका पर क्योंकि उसने ही उसको ये बात बताई थी। और आखिर एरिक को कौन ही किडनैप कराएगा, साइड सी बात है उसका बॉस। तभी यहाँ से भाग कर जैन रीका से मिलने जाती है और जैन यहाँ पर क्या पाती है कि रीका के रूम में उनका बॉस भी है। दरअसल रीका पक्की वफादार थी अपने बॉस की और एरिक भी यहीं पर बंधा हुआ था। अब ये बॉस यहाँ से काफी सारे पैसे लेकर भागने के प्लान में था क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि पुलिस की यहाँ पर रेड खलने वाली है। पर तभी यहाँ पर रीका एरिक को देख लेती है और वो एरिक को छुड़ा लेती है। एरिक कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि पुलिस की यहाँ पर रेड खल चुकी है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाली होगी। अब एरिक यहाँ पर इस बॉस को तो मार देता है, साथ ही साथ रीका को भी मारना पड़ता है क्योंकि रीका उसको मारने की फिराक में थी। और यहाँ पर जैन को एक और बात मालूम चलती है कि उसके हस्बैंड स्पेंसर को रीका ने ही मारा था क्योंकि वो चाहती थी कि जैन का हमेशा के लिए स्पेंसर से साथ छूट जाए, इसलिए रीका ने ही बाद में स्पेंसर को मरवा दिया था। और अब जैन को काफी दुख होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रीका निपट चुकी है। खैरा बैर के यहाँ पर जैन से कहता है कि ये सारे पैसे लेकर तुम चली जाओ और एक अच्छी शुरुआत करना और ऐसे गलत काम में अब कभी मत पड़ना। और अब जहाँ पर जैन रहती है कुछ महीने बाद जैन से मिलने एरिक आता है और जैन को मालूम चलता है कि मारा इस दुनिया में अब नहीं रही, यानी कि अब इन दोनों का भी कुछ हो सकता है। खैर, वो तो यही दोनों जाने, क्योंकि बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि जो भी महिलाएं सिर्फ खूबसूरती देखकर लड़के को पसंद कर लेती है, भले ही वो नल्ला बेरोजगार हो स्पेंसर की तरह, तो वो बाद में काफी पछताती है। और मजबूरी कितनी भी हो, ऐसे काम करना मेरी नजर में गलत है। खैर, आपकी इस बारे में कुछ और भी राय हो सकती है जो कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में अगर वो जाते हैं 100 लाइक और 50 कमेंट तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो अभी के अभी ज्वाइन करें टेलीग्राम।